हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीसीए की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या देख लिया? कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस देखा है, जो कि क्या था हमारा? कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि बिजनेस सिस्टम क्या होता है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस सिस्टम, जैसे यहाँ आपका टॉपिक लिखा है बिजनेस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए सिस्टम से क्या समझ में आता है? कोई भी चीज ऐसी जो आपका क्रम के हिसाब से चले। क्रम के हिसाब से मतलब, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो मेरा कुछ भी होगा ना काम, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अगर इस हिसाब से हम कर रहे हैं, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको सिस्टम कहते हैं, जो कि नॉर्मल जिंदगी में है। ठीक है, अब बिजनेस सिस्टम क्या है? आइए बिजनेस सिस्टम के लिए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी भी एक सिस्टम की तरह है। क्या है? सिस्टम की तरह। हम खाना खाते हैं, बाकी प्रोसेस भी होता है, अपने आप होता रहता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम खाना खाएं हम ही उसको बैठ के पचाएंगे, वो अपने आप होता रहता है। तो वो क्या है? वो एक सिस्टम है, वो एक प्लानिंग के अंतर्गत होता है कि ये चीज़ वेस्ट मटेरियल है, ये आपका खाना पचाने के लिए है, ये एनर्जी है, ये फैट है। ठीक है, इसको खाने से दिक्कत होती है, नुकसान होता है। तो ये क्या है? ये हमारा तो भाई नहीं है, ये गॉड मेड है, पर ये भी एक सिस्टम है, एक प्रकार से काम करता है। क्योंकि कोई भी अगर पार्ट आपके खराब होने लगते हैं, तो भी बॉडी काम नहीं करती। हर पार्ट का क्या है? जरूरी चीजें हैं। तो उसी तरह जब हम बिजनेस सिस्टम बनाते हैं ना, तो अब बिजनेस सिस्टम बनाने के लिए हमारे हाथ में सब चीज है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक वेल ट्रेंड क्या रखना पड़ेगा? मैनेजर। ठीक है, वेल ट्रेंड मैनेजर रखना पड़ेगा। अब देखिए वेल ट्रेंड मैनेजर, इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि अगर मैनेजर आपका पढ़ा लिखा है, वेल ट्रेंड है, बातचीत करने का तरीका जानता है, तो पहली बात तो वो कि वो हर चीज अच्छे से मैनेज करेगा। पहली चीज, सभी व्यक्तियों को उनके अकॉर्डिंग काम देगा। दूसरी चीज, प्लानिंग अच्छी करेगा। तीसरी चीज, चौथी चीज, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेगा। तो बिजनेस सिस्टम को प्रॉपरली रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा मैनेजर वेल ट्रेंड होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? दूसरा चीज हो गया डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अकॉर्डिंग टू ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू द वर्किंग एबिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। अब जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसको जितना काम आता हो, जिसको जिस प्रकार का काम आता हो, उसको वही काम देंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि किसी को प्यून बनाने की योग्यता है, आप उसको कंप्यूटर पर बैठा दीजिए, तब उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फिर वो कहीं कुछ करेगा, कुछ सीखेगा। तो जो काम आपका ट्रेंड पर्सन ना, देखिए काम तो वो प्यून भी आपका कंप्यूटर पर कर देगा भाई, कर देगा, किसी भी तरह करेगा, कर देगा, क्योंकि उसको वो काम करना है। पर जो ट्रेंड पर्सन आपका काम 1 आवर में करेगा ना, वो वही प्यून शायद हो सकता है 10 आवर्स में लगा दे। ठीक, क्यों? इसको बेसिक तक नहीं पता है, ये कंप्यूटर चलाना सीखेगा पहले, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर उसमें क्या काम करते हैं, किस चीज को क्या कहते हैं, कैसे होता है, वो सब सीखेगा। पर ये जो पर्सन है ना, ये ट्रेंड वाला, ये वो काम सीख के आया है, इसे बस डायरेक्ट वो काम करना है। तो इसीलिए हर आदमी को उनकी काबिलियत के हिसाब से काम देना। ठीक है, अगला क्या है? वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए वर्किंग एनवायरनमेंट एक बहुत जरूरी चीज है। इससे क्या होता है? अगर वहां का माहौल अच्छा है काम करने का, ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है, सबका मन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से ना लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, क्या बढ़ जाती है? वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है तो हमें अच्छा लगेगा, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के काम कर देंगे। पर वर्किंग एनवायरनमेंट ही खराब है, पता चला हम अपने ऑफिस गए, लाइट जला रहे हैं, लाइट ही नहीं जल रही, अंधेरे में बैठे हैं, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी में बैठे हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक है,
तो हम भी 5-10 मिनट बैठेंगे, काम करेंगे, फिर उठ के कहेंगे बाहर जा रहे हैं, हवा लेके आते हैं, कुछ खा के आते हैं, या बहुत गर्मी लग रही है, बाहर ही रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे वर्किंग पे असर पड़ेगा। और अगर वर्किंग एनवायरनमेंट, या इसको कह लीजिए एक तरह से वर्किंग कंडीशन, ठीक है, अगर वर्किंग एनवायरनमेंट या वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो हम वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं, 10-15 मिनट आधा घंटा ज्यादा दे सकते हैं, या थोड़ा जल्दी आ सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे वर्किंग एफिशिएंसी पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला यहां देख लेते हैं। अगला है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, जो लोअर है। ठीक है, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में आप लोग देखे होंगे, या यहां भी बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई सीनियर है, जूनियर है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन गैप का यह मतलब है कि जो जूनियर है उसे अगर कोई दिक्कत है तो वो अपने सीनियर से खुल के कह सके, पहली चीज, सीनियर उसकी बात भी सुने, दूसरी चीज, और उसकी बातों को या उसके सजेशन को क्या दे, इंपॉर्टेंस दे। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, बातों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ये क्या है, ये टू वे प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा है आप लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग फीडबैक देंगे, आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्या है, मेरे लिए क्वेश्चन है या फीडबैक है, तो मैं उसे देख के फिर रिप्लाई करूंगा। तो ये क्या हो गया, ये टू वे प्रोसेस हो गया। तो ये भी एक तरह से बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है, आइए अगली चीज देखते हैं। अगली चीज हमारी कह रही है, ठीक है, अगला चीज कह रहा है डिस्टिंग्विश ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे उसको बदलते हैं या अलग अलग हिसाब में बांटते हैं। ठीक है, आइए देखिए पहला क्या लिखा है। पहला लिखा है डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम टू प्रोड्यूस प्लान्स एंड शेप द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, जो भी इंटरप्राइज आपका जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान को प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना पड़ेगा प्लान का, शेप का, किसका, बिजनेस एक्टिविटी की शेप का। हो सकता है आपको बड़े जगह की जरूरत हो, आप छोटी जगह में काम करें तो आप वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे। ठीक है भाई, आपको कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत है और आपने छोटी जगह ली है तो आप वो उत्पादन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको क्या था भाई, शेप के हिसाब से आपके पास ज्यादा शेप की जरूरत थी पर आपने कम किया। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग, देखिए प्लानिंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है, खेल कूद के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिजनेस के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, तो प्लानिंग हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई वो अच्छा व्यक्ति, ठीक है, अच्छा व्यक्ति मतलब समझदार व्यक्ति जो प्लानिंग करता है, अगर वो प्लानिंग करेगा तो प्लानिंग क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। क्यों, अगर समझदार व्यक्ति है, वेल ट्रेंड व्यक्ति है, तो प्लानिंग सिर्फ नहीं करेगा, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कराएगा। ठीक है, जैसे सब लोग क्या करते हैं भाई, टाइम टेबल बनाएंगे, कल से सुबह 8 से 12 पढ़ेंगे। ठीक है, अब सो रहे हैं, नींद खुली 7:45, अच्छा 8 बजे पढ़ना है ना, 15 मिनट और सो लेते हैं, फिर सो गए, फिर नींद खुली 8:30, अच्छा चलो यार आप तो 8:30 बज गए, अब क्या पढ़ें, अब कल से पढ़ेंगे। तो ये प्लानिंग तो हो गई पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति रखा जाता है बिजनेस में जो प्लानिंग को क्या करे, इम्प्लीमेंट करा सके और लोगों से उसी के हिसाब से काम करा सके। ठीक है, आइए इसमें सेकंड पॉइंट है, ठीक है, लिखा है अ कंट्रोल सब सिस्टम, ठीक है, यहां क्या लिखा है, अ कंट्रोल सब सिस्टम टू इंश्योर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर किसी की एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी है, असली परफॉर्मेंस देखनी है, तो जो भी प्लानिंग होगी या जो भी चीजें होंगी वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए ए जो है किसी बिजनेस का ओनर है, ठीक है, क्या है, ओनर है, और बी आपका इनके यहाँ एम्प्लॉई है, इसको मैनेजर कह देते हैं, ठीक है, और सी डी ई एफ ये और भी इंप्लॉई हैं अदर देन मैनेजर। ठीक है, अब ये जो इंप्लॉई है ना, ये इनको रिपोर्ट किसको करनी है, मैनेजर को, और मैनेजर को ओनर को। ठीक है, तो अब अगर इन इंप्लॉई की कोई समस्या आती है तो ये किससे कहेंगे, मैनेजर से।
अगर मैनेजर इनसे कुछ सलूशन देता है, मान लीजिए ये कहते हैं कि सर कल हमें छुट्टी चाहिए, ये काम है और हम लोग देर से आएंगे, मान लीजिए मैनेजर ने कह दिया यस, ठीक है, क्या कह दिया, यस कह दिया और कहा कि ठीक है आप लोग देर से आइएगा, पर जब भी आइएगा तो उतना देर जो गैप हुआ उसको बाद में करके जाइएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है, पर ओनर के पास जब बात गई तो इसने कहा नो, ठीक है। तो अब कंट्रोल देखिए दो व्यक्ति के हाथ में, या तो फिर डिसीजन मेकिंग सिर्फ ए के पास हो, ये लोग डायरेक्ट ए के पास जाएंगे, यस या नो जो भी होगा वो मानेंगे, या फिर डिसीजन अगर ए ने इसको दे दिया है तो ए फिर इसके डिसीजन से संतुष्ट रहे, ठीक है, उसमें इंटरफियर ना करे। अगर ए उसमें इंटरफियर नहीं करेगा तो इनके माइंड में क्लियर रहेगा ना कि हमको कहां पे समस्या बतानी है, कहां से हमें सोल्यूशन मिलेगा और कहां से हमारा फायदा होगा। समझ में आया? तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है। इसीलिए कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। अगर दो से तीन व्यक्ति के हाथ में है तो उनके कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उनके में क्या होना चाहिए, एक ही तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर तीनों व्यक्ति चारों व्यक्ति एक ही तरह की बात कहें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं क्या। अब थर्ड पॉइंट लिखा है अ मेमोरी सब सिस्टम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी तक प्लानिंग कर लिए, कंट्रोल कर लिए, अब हमें कोई मेमोरी भी तो चाहिए भाई, कोई ऐसी चीज जहाँ पे कुछ चीज स्टोर हो जाए। तो क्या लिखा है, अ मेमोरी सब सिस्टम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट अवेलेबल एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो लिखित या मौखिक रूप में कहीं स्टोर होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो क्या हो जाए, हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए, हमें ईजिली वो क्या मिल जाए ताकि हम उस पर काम कर सकें उसको। अब देखिए इसको एक चीज तरीके से बताते हैं, जैसे कोर्ट में केस होता है ना, तो कोर्ट में जब भी केस होता है तो वो ऐसे होता है, देखिए आइए यहां देखते हैं। जैसे मान लीजिए केस होता है, ए और बी दो लोग हैं, वकील हैं, केस हो रहा है, ठीक है। तो अब केस में क्या होता है, मान लीजिए सी ने चोरी की है और सी की जो परिस्थिति है उसी हिसाब से एक कई साल पहले परिस्थिति डी के साथ हुई थी और डी को उसमें बेल मिल गया था, क्या मिल गया था, बेल, और सी को यहां बेल नहीं मिल रहा है। तो जो सी के वकील है ना ए, ये इसी कंडीशन को उठाएंगे और जज को बताएंगे कि जज साहब इतने साल पहले डी नाम का एक व्यक्ति था, उसके साथ भी सेम यही कंडीशन थी और उसको इसी आधार पर बेल मिल गई थी, तो भाई हमारे क्लाइंट सी को क्यों नहीं मिलेगी। तो वहां पे क्या था, ये जो पुराना केस था ना, ये रिटर्न के तौर पे कहीं स्टोर था, ठीक है, और जब हमें जरूरत मिली, जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया, जब व्हेन रिक्वायर्ड है तो उसको क्या कर लिया, अवेलेबल कर लिया, ठीक है, अवेलेबल हो गया। तो अब जब रिक्वायर्ड थी तो वो अवेलेबल हो गया ना, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा, इसके आधार पे हम ये वाला केस अपना कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, ठीक है, दूसरी चीज देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए किसी से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, साइन हो गया। अब साइन जो हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी तो लिखित है ना, कल को जिस कंडीशन पे साइन हुआ है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं होता है, क्या उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके ए बी को या बी ए को इनके ऊपर केस कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा लिखित रूप में दोनों पक्ष के पास रहेगा, इसलिए जब भी जरूरत होगी तो कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा क्लॉज हो उसमें कि बी ने कहा हो कि ए वुड सप्लाई 50 पीसेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है टिल 15 फरवरी, 15 फरवरी तक ए हमें क्या देगा, 50 पीस कंप्यूटर के देगा, ठीक है। पर अब इस पे इस कंडीशन पे दोनों ने स्वीकृति कर ली, ए और बी दोनों ने, पर 15 आते आते 16 आ गई और ए ने क्या किया, ए ने या तो 50 नहीं दे पाया, 25 दिया, 20 दिया या 10 दिया या एक भी नहीं दिया, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। अब अगर बी चाहे तो एक ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है कि सर
इन्होंने इतना इतना कहा था और ये कंडीशन थी, इस पे इन्होंने एग्री किया था। अब एग्री किया उसके बाद इन्होंने चुकाया नहीं, तो जब नहीं चुकाया तो अब मेरा पूरा हक बनता है कि भाई इनके नहीं देने से, भाई हो सकता है बी ने कहीं कहा हो कि हम 17 तारीख को आपको 50 कंप्यूटर दे देंगे, बी आगे नहीं दे पाया, तो बी ने कहा कि सर मेरा इतने का नुकसान हो गया है, आप ये नुकसान विथ इंटरेस्ट मुझे ए से दिलाइए, और मार्केट में मेरी गुडविल खराब हो गई। भाई मेरी नाम थी, साख थी कि बी जो है वो टाइम से काम करते हैं, ए की वजह से वो भी खराब हो गई, तो उनके ऊपर मानहानि का भी केस कर देगा, ठीक है। तो अब ये सब केस वो कर सकता है कि सर इनके वजह से मुझे इतना रुपए का नुकसान हुआ और मेरी गुडविल भी खराब हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए ए से विथ इंटरेस्ट। तो अगर पूरा केस सॉल्व होगा तो ए बाध्य होता है क्या बी को उतना मुआवजा देने के लिए, ठीक है। आइए ये चीज हो गया, अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या होता है बिजनेस पे, ठीक है। क्या होता है इन्वायरमेंट इफेक्ट, अब इसमें पहला होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि आप देखिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी बिजनेस जो है वो कहीं भी खाली जगह पे रहेगा नहीं, जहां पे लोग ही नहीं है तो बिजनेस का क्या मतलब है, ठीक है। खाली जगह पे नहीं रहेगा, जैसे वैक्यूम प्लेस पे, ठीक है, वैक्यूम प्लेस पे नहीं रहेगा, क्यों, वो खाली जगह है और वहां पे कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा, हमें मार्केट चाहिए रहेगी, लोग चाहिए रहेंगे बिजनेस करने के लिए, ठीक है, हमें मार्केट चाहिए, हमें लोग चाहिए ताकि बिजनेस हमारा क्या करे, फ्लरिश करे, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक मतलब होता है रिलेटेड टू मनी या रिलेटेड टू बिजनेस। अब देखिए कोई भी जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बिजनेस आएगा ना, कोई भी बिजनेस करेगा तो वो किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, ठीक है, दूसरा होगा बैंकिंग इंडस्ट्री से, तीसरा होगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, चौथा होगा सेल्स से, पांचवा परचेस से, ऐसे कर करके ये क्या हो जाएगा, अलग अलग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की इंडस्ट्री बन जाएगी, माइनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये लोग क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बहुत जरूरी और एसेंशियल है किसके लिए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए, कौन कौन सी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, माइनिंग हो गई, सेल्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब बहुत जरूरी है किसके लिए, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है ये आइसोलेशन में नहीं होगा, आइसोलेशन मतलब अलग से कहीं अलग थलग पड़ा हो, ऐसा नहीं है, सबको चाहे बिजनेस हो चाहे लोग हो, सबको क्या चाहिए, सबकी भाई एक सोशल लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो फ्लरिश कर सके। बिजनेस की सोशल लाइफ कहने का मतलब है कि उसको प्रॉपर मार्केट मिले, उसके पास कौन हो, परचेजर हो, सेलर हो, ताकि वो बिजनेस रन कर सके, ये नहीं कि जाके राजस्थान में किसी रेगिस्तान में हम पानी की बोतल लेके बैठ जाएं, पर वहाँ लोग तो होने चाहिए, देखिए पानी की डिमांड वहाँ बहुत है, लोग पियेंगे भी, पर लोग तो होने चाहिए भाई खरीदने के लिए, वहां तक इजली पानी आपके पास पहुंच तो जाए, आप क्या करेंगे, रोज 50 किलोमीटर जाएंगे पानी लेने, तो इससे बढ़िया 50 किलोमीटर जहां लोग हैं, जहां पानी है, वहीं ना बेचे हम, वहां पे कम बिकेगा पर बिकेगा तो, क्योंकि लोग हैं, ठीक है। अब देखिए आजकल क्या हो गया, हम आप जहां रहते हैं लगभग सब लोग, तो पानी की कमी तो किसी क्षेत्र में नहीं है, पर लोग पानी का बिजनेस कर रहे हैं, क्यों, एक नया टर्म आ गया भाई, अब हम लोग आरओ का पानी पियेंगे, हाँ, अभी तक सब लोग नल का पानी पी लेते थे, हैंडपाइप का पानी पी लेते थे, पर अब सबकी तबीयत खराब हो रही है, आरओ का पानी पियेंगे, अब आरओ का पानी पियेंगे तो क्या है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई लोगों के पास, ठीक है भाई, जो स्टूडेंट किराए पर रहते हैं या जिनके यहाँ आरओ नहीं है, उनको आरओ का पानी दीजिए, सस्ते में ही दीजिए, 10 रुपये बोतल, 20 रुपये बोतल दीजिए, बिजनेस चलेगा, क्योंकि पानी क्या है, पानी बहुत एसेंशियल है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे आपका बिजनेस हो और जहाँ पे आपको क्या हो, कुछ प्रॉफिट तो हो,
जैसे कोरोना से पहले कितने लोग मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर जानते थे, ठीक है, पर कोरोना जैसे आया अब क्या हो गया है, फुटपाथ पे देख लीजिए मास्क बिक रहा है, सैनिटाइजर बिक रहा है, ठीक है। एक आदमी किसकी परचून की भी दुकान है ना किराने की, वो भी मास्क और सैनिटाइजर लटकाया, क्यों, जान रहा है इसकी डिमांड है, यही ज़्यादा बिकेगा फिलहाल, ठीक है। पूरे ने पूरा कोरोना काल में क्या हुआ, दाल चावल भले ना मिले, मास्क जरूर लेते आना भाई, सैनिटाइजर लेते आना, 100 रुपये का सैनिटाइजर 500 मिल रहा था, पर लेना है, क्यों, क्योंकि ज़रूरी था। तो इसी तरह आप भी कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी इन्वायरमेंट रहेगा तो कहाँ होगा, वो लोगों के साथ होना चाहिए, जहाँ लोग आए खरीद सकें और आप बेच सकें। अब ये क्या होता है, ये दोनों तरीके से होता है, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये दोनों होता है, ठीक है। नेशनल मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो भारत के पूरे बाउंड्री में होगा, जो ज्योग्राफी द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और इंटरनेशनल मतलब विद इन द आउट ऑफ इंडिया कह लीजिए, या विद इन टू स्टेट कह लेंगे, टू कंट्री कह लेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे, एक चीज और देखते हैं फिलहाल, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल भी होता है, डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्यों, अब इन्वायरमेंट देखिए, हमने सीधे बताया था कि सोशल लाइफ से मैटर करता है, तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो और लोग चाहिए बनाने के लिए, सिंपल से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास काम आएगा, काम आएगा सैलरी आएगी, सैलरी आएगी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लिविंग बढ़ेगा, अब वो परचेजिंग पावर अपनी अच्छी करेंगे, जब ज़्यादा पैसा रहेगा तो अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने अभी क्या पढ़ लिया था, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला क्या होता है इसमें, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल क्या होता है, देखिए हम लोग सबसे सिंपल ऐसे समझते हैं, अब टेक्नोलॉजी, ठीक है, सब लोग यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, मोबाइल है, ठीक है, स्मार्ट टीवी है, ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या आपका आता है, ये सब आपका किसमें आता है, इन किसमें आता है, इसलिए सब आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, ठीक है। और देखिए, और धीरे धीरे इन सब स्मार्ट गैजेट की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, ठीक है। सब लोग क्यों, सब लोग अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी अपडेट रहना चाहते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी में क्या पिछड़ना नहीं चाहता है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो नया टेक्नोलॉजी आ गई, क्या QR कोड स्कैन करिए और पेमेंट करिए, उसके लिए उस व्यक्ति का वहाँ होना भी जरूरी नहीं है, डिटेल देने के लिए कि हमें ये डिटेल भाई आप दीजिए तभी हम पेमेंट कर पाएंगे, नहीं, QR कोड वहाँ लगा है, कोई भी बैठा होगा शॉप में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस अगर होता है तो कस्टमर उस पर क्या करता है, कस्टमर उस पर रिस्पॉन्ड करता है, हर आदमी क्या होना चाहता है, अपडेट होना चाहता है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, इसलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला क्या है इसमें, अगला इसमें है फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए फाइनेंशियल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, देखिए सब चीज़ क्या होता है भाई, देखिए एक देश में फाइनेंशियल पोजीशन जो उस देश की होती है ना, उसके हिसाब से आपका पूरा बिजनेस इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए मंदी आ रही है, ठीक है, तो बिजनेस पे असर पड़ेगा, बिजनेस थोड़ा सा डाउन होगा। देखिए सबसे प्राइम एग्जांपल जो है इस समय एकदम सब लोग उससे समझ सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, वो है लॉकडाउन। सीधी बात है, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल आपका ऐसे काम करता है, मनी का एक फ्लो बनता है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल, ठीक है। तो मनी ऐसे ट्रेवल करती है एक सर्कुलर फ्लो में, साइकिल टायर की तरह, ठीक है, और ये हमेशा चलना चाहिए, ये हमेशा चलना चाहिए अगर एक इकोनॉमी को चलना है,
ठीक है, अगर ये नहीं चलेगी, ये कहीं भी रुक जाती है, कहीं भी स्टॉप हो जाती है, तो उसका बहुत असर पड़ेगा आपके कंट्री पे, आपके बिजनेस पे, सब चीज़ पे इसका असर पड़ेगा, ठीक है। और यही असर ना पड़े इसलिए मनी को हमेशा फ्लो में रहना जरूरी है। जैसे देखिए, जब 2000 के नए नोट आए थे तो लोग क्या करते थे, उसको अपने पास स्टोर करने लगे, तो मार्केट में दिक्कत होने लगी। क्यों? मार्केट में मनी का फ्लो रुक रहा था, लॉकडाउन था, लोग सामान नहीं ज़्यादा खरीद रहे थे, जो खरीद भी रहे थे वो एकदम बल्क में खरीद के उसको रख ले रहे थे, तो डे टू डे की ज़्यादा चीज़ें नहीं बिक रही थी, ज़्यादा मार्केट में लोग आ नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे, ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो उसमें भी कुछ ऐसी लोगों की कंपनी बंद हो गई जो मनी फ्लो के कारण इफ़ेक्ट की। अगर मनी फ्लो होता और ये सर्किल चलता रहता, भाई यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये मनी फ्लो ऐसे होता रहता तो मार्केट में मनी सर्कुलेट करता रहता, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट आपको क्यों कहती है कि आप अपने पास पैसा ना जमा करें, आप बैंक में जमा करें। बैंक में पैसा जमा करने से क्या होता है, आपके पैसे का एक्सेस किसको मिल जाता है, गवर्नमेंट को, उस बैंक को मिल जाता है, तो वो फिर उसी से लोन देती है, उसी पे इंटरेस्ट कमाती है, आपको कुछ इंटरेस्ट देती है बैंक में जमा करने के लिए पैसा, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे फ्लो होता रहता है उसका भी, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसीलिए फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर मंदी आ गया, बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, तो उसका भी बिजनेस पे असर पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है हम लोग का, आखिरी पॉइंट है, आखिरी क्या है, सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छी कहावत है, क्या है, मैन, ठीक है, इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मतलब आदमी क्या है, सोशल जानवर। सोशल मतलब अपने समाज को देखना, समाज में क्या हो रहा है उसको देखना, चार लोग क्या कहेंगे ये सोचना, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। पर अब बिजनेस के हिसाब से सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखिए सीधी बात है, मान लीजिए ये ए है, ये सीनियर है, ठीक है, ये बी है, ये उसका जूनियर है, ठीक है। अब ए चाहता है कि सब डिसीजन हम लें, सब काम हम ही करें, पर सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में यहाँ पे तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है, तानाशाही नहीं चलती है। क्यों? ये जूनियर है, ये चाहता है कि हम इनके हर डिसीजन में, ठीक है, पार्टिसिपेट करें, क्या करें, इनके हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करें, इनको कोई भी दिक्कत हो तो हमसे भी सलाह ले, ठीक है। उस सलाह को देखिए, मानना ना मानना इनके हाथ में है, पर सलाह लेना चाहिए, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ठीक है, सलाह लेना चाहिए, उससे इम्पैक्ट क्या होता है, अच्छा पड़ता है। और इसको क्या कहते हैं, अगर आप सलाह नहीं ले रहे हैं, तानाशाह वाला है, तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेट, ठीक है, ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह रवैया आपका, ठीक है। और अगर आप सलाह ले रहे हैं, आप सब चीज मान रहे हैं, सबसे सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, सब चीज में, तो उसको क्या कहते हैं, जो भारत हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक देश, ठीक है, भारत हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक देश या डेमोक्रेसी है, जनता ही सब चीज चुनती है, ठीक है, जनता के पास कहने के लिए पावर है, ठीक है, जनता के पास पावर है पीएम सीएम डीएम सब चुनने का, ठीक है, आखिरी वाला नहीं, डीएम नहीं होता है सिर्फ, ठीक है, वो फ्लो में निकल गया पीएम सीएम, ठीक है। पर अगर जनता को पार्टिसिपेट ना किया जाए, जनता पार्टिसिपेट ना करे, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर आपका ऑटोक्रेट हो जाएगा, ठीक है, तानाशाह, वंशवाद, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना है, ऑटोक्रेट के बारे में। अगर जो आपके मार्क क्या है, बिजनेस का ओनर है, अगर वो आपको पार्टिसिपेट नहीं कराता है, सभी डिसीजन वो लेता है, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, तो वो तानाशाही है। पर आजकल के जो भी इम्प्लॉई हैं, जो वहाँ काम करते हैं, वो कैसा चाहते हैं, वो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट चाहते हैं। अगर डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है तो आपके इम्प्लॉई की एफिशिएंसी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? उसे क्या लगेगा, उसे लगेगा कि भाई हमारा मैनेजमेंट हमारा भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता है, ठीक है।
तो हम भी इम्प्रूवमेंट की तरफ देखें, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट कर दें, ठीक है। पर अगर ऐसा कुछ नहीं कोई चाहेगा ना, तो फिर आप भी नहीं करेंगे। अरे छोड़ो हटाओ, हमसे क्या मतलब है, हमारा काम है, आएंगे करेंगे चले जाएंगे। आपको पता है कि कंप्यूटर खराब है, ठीक है, स्क्रीन के पीछे आग लगी हुई है, पर कहेंगे आओ हमसे क्या मतलब है, चलो जल जाएगा अपना देखेगा, ठीक है। पर अगर आपको वो अपने बिजनेस परिवार का हिस्सा मानेगा, आपसे सब चीज लेगा ना, आप खुद ही आपका मन नहीं मानेगा, आप खुद ही जा कहेंगे अरे सर ये देखिए स्क्रीन खराब हो रही है, इसको सही करवा दीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट है तो आपके एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, धन्यवाद।